तो मैं पी रही हूँ गर्म पानी, और ठंडियों में गर्म पानी पीने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। जब भी ठंडियों में मतलब सर्दी लगती है और कोई गर्म चीज़ पेट के अंदर जाती है तो मतलब अच्छा लगता है और काफ़ी बेनिफिट होता है गर्म पानी पीने से। सो प्लीज़ आप लोग भी पिया कीजिए। और मैं फ़िलहाल पानी पी के अपने किचन में जाऊंगी और वहाँ देखूंगी क्या कितना कुछ काम पड़ा है, क्योंकि वाई फाई हो चुकी है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में। और मैं आ गई हूँ, और देखिए वैसे तो मैं नाश्ता बनाने आई हूँ, वैसे मैं नाश्ता बनाती नहीं हूँ, जो बच्चों के लिए बनाती हूँ वही बच जाता है, वही खा लेती हूँ, बट आज नहीं बचा है। क्योंकि आज मैंने देखिए आज पूरी कढ़ाई खाली पड़ी है, क्योंकि आज मैंने छोले पूरी बनाए थे, तो मतलब मेरे छोटे वाले बेटे को बहुत पसंद है तो वो खा गया। उसने कहा मैं खा के भी जाऊँगा तुम के लिए, तो ही खा ले, तो फिर वो खा के चला गया। तो बस मैं यहाँ पर अपने लिए चाय बनाने आई हूँ, और ये मेथी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो फिलहाल इसे साइड पर रखते हैं, मैं अपनी चाय रख देती हूँ बनने के लिए, और इसमें दूध ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी एक गिलास। वैसे मैं चाय जो बना रही हूँ अपने लिए ही बना रही हूँ, लेकिन मैं दो तीन लोगों के हिसाब से बनाती हूँ, क्योंकि मैं दो तीन बार पी लेती हूँ, बार बार कौन बनाए। और सर्दी है तो चाय तो वही हुई कितनी अच्छी लगती है, तो मतलब मैं तो गर्मियों में भी चाय नहीं छोड़ती, फिर तो सर्दी है तो सर्दी में तो तीन चार चाय तो बनती है यार। मैं चाय बहुत पीती हूँ, कौन कौन चाय पीता है सर्दियों में या गर्मियों में प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। तो चलिए चाय में मैंने चाय पत्ती वगैरह डाल दी है, और चीनी भी डाल दी है, और मैं इसमें अदरक भी कद्दूकस करके डालती हूँ, तो मैं वो भी डाल देती हूँ अभी फटाफट से कद्दूकस करके अदरक को। और बस जब तक ये चाय बनेगी तब तक मैं अपना और भी काम निपटा लूँगी, जैसे मेथी वगैरह काट कूट के रख दूँगी, और सब्ज़ी भी छौंक दूँगी जब तक नाश्ता करूँगी, तब तक वो भी बन जाएगी। तो चाय पे भी बॉइलिंग मतलब हल्की सी आ जाती है, मैं तभी अदरक डालती हूँ वरना चाय फट जाती है। तो देखिए बॉइलिंग आ गई है, अब इसको बॉईल होने देते हैं, और तब तक हम अपनी मेथी की सब्ज़ी की तैयारी कर लेते हैं। और उसको देखिए मैं पहले सबसे पहले काट के रख दूँगी, और इसमें से मैं थोड़ी सी ही मेथी बनाऊँगी, और ये मेथी मेरे तीन बार के लिए होगी, और इसमें से अभी एक सब्ज़ी बन जाएगी, फिर एक मैं कबाब बनाऊँगी जो कि मैं इसका वीडियो शेयर करूँगी इसमें, इस पर मतलब कि जिनकी काफ़ी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वॉच कीजिएगा। तो देखिए और बाकी का बचेगा तो पराठे वराठे बन जाएंगे। और देखिए इसमें अभी ऑयल है, क्योंकि मैंने इसमें पूड़ियाँ तली थी तो उसमें ऑयल बचा था, तो मैं वो ऑयल को पहले निकाल लूँगी सारा, और फिर इसी कढ़ाई में मैं सब्ज़ी बना दूँगी, क्योंकि ऑयल की कढ़ाई है तो रहने का कोई मैटर नहीं बनता, तो मैं फटाफट से इसी में ही कर दूँगी। अभी इसमें थोड़ा सा ऑयल और रह गया है तो मैं वो भी सारा निकाल दूँगी, और इसी में ही सारी चीज़ें डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ पर अभी सिर्फ मेथी ही कट की है, अभी आलू भी कट करने हैं, तो मैं अभी इसे डाल के मैं वो भी फटाफट आलू कट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो पील करेंगे यार, कट तो बाद में करेंगे, और नए आलू हैं तो बहुत मिट्टी होती है इनमें, तो इस तरीके से नहीं डाल सकते, एक्चुअली दो तीन बार वॉश करना पड़ता है बस। और देखिए बार बार मम्मी का फ़ोन आ रहा है, एक्चुअली मैंने उनसे दो तीन दिन से बात नहीं की है, तो उनका फ़ोन आ रहा है और मैं फ़ोन से ही शूट कर रही हूँ, तो मुझे बार बार कट करना पड़ रहा है यहाँ पर। तो देखिए फटाफट से मैंने आलू भी कट कर लिए हैं, और इनको कट करके ना मैं जल्दी से सब्ज़ी बनाऊँगी। और मैं यहाँ पर ग्रीन चिली कट कर रही हूँ, मैंने तीन चार ग्रीन चिली ली है। मैं मतलब बच्चों को लाल मिर्च बहुत कम खाने देती हूँ, हरी मिर्च थोड़ी बहुत खिला देती हूँ, छोटा वाला तो कम खाता है, बड़ी लड़की मेरी खा भी लेती है, तो मैं दो चार हरी मिर्च ही डाल दूँगी उसमें, और हल्की सी लाल मिर्च डालती हूँ, क्योंकि इस टाइम जो लाल मिर्च मार्केट की आती है वो तो तीखी नहीं होती है इसलिए। तो देखिए मैंने दो तीन हरी मिर्च ली हैं, तो मैं इसको भी इसमें डाल देती हूँ अभी मैंने, और ये देखिए मैंने आलू भी डाल दिए हैं सारी। और मैं इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ अपनी भूंजी में, मैं बस सॉल्ट ही डालती हूँ, तो पहले गैस की फ्लेम को स्लो कर देते हैं, बहुत तेज़ जल रही है, कढ़ाई जल जाएगी, सब्ज़ी जल जाएगी, फिर मुझे 10 घंटे तक इसको धोना पड़ेगा। गैस कढ़ाई ये जो मेटल वाली होती है ना बहुत जल्दी जल जाती है, तो फिर उसमें 10 घंटे तक रगड़ते रहो। और देखिए आप साइड से पूरी सीखी तो कैसी येलो सी हो रही है, और थोड़ी देर जलती है तो काली काली हो जाती है, फिर साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है। तो बस इसको मैंने मिक्स कर दिया है, और अब इसको ढक दूँगी और इसको मैं पकने दूँगी, और बस तब तक मैं अपनी चाय वगैरह भी छान ली, तो मुझे लगता है चाय भी खोल खोल के आधी रह गई होगी। हाँ तो मैंने चाय की गैस को बंद कर दिया था, क्योंकि वो खोल जाती थी फिर कम हो जाती चाय, मैंने तो दो तीन बार के लिए बनाई है भाई, तो दो तीन बार ही पियेंगे। हाँ तो मैंने बंद कर दी थी, लो इसमें भी ठंड लग गई है, इसको भी ठंड लग गई है, ये भी नहीं जला जा रहा है इससे। ओह सॉरी फायर है, अभी भी फायर आ गई वापस।
तो देखिए मैं यहाँ पर अपनी नाश्ते के लिए रोस्टेड पीनट ले रही हूँ, जो कि मैंने खुद बनाई थी। एक्चुअली थोड़ी पड़ी थी, ख़त्म हो गई है, अब आगे बनाऊँगी तब मैं आप सभी को भी बुलाऊँगी। फिलहाल बस इतने से ही काम चलाएंगे और चाय भी मेरी भी गर्म हो ही रही है। तो बस चलिए अब फटाफट से, मैं अपनी चाय भी मेरी गर्म हो चुकी है, मैं उसको भी चाय को भी फटाफट से छान लेती हूँ। और बस अभी आपको मैं अपना नाश्ता भी दिखाऊंगी कि मेरे ब्रेकफास्ट में आखिर है क्या, क्या क्या मैंने ब्रेकफास्ट लिया है, क्या खाती हूँ, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो बस थोड़ी सी आधा कप चाय मैंने छान ली, आधे कप चाय मैं अपनी बात के लिए रख दूँगी क्योंकि मैं बाद में भी पीऊँगी 1-1.5 घंटे के बाद। तो बस तो अभी फ़िलहाल मैं रख देती हूँ। और देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा नाश्ते में क्या क्या चीज़ें हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं खाती, बस थोड़ा सा ही है। सुबह का जो नाश्ता वैसे हल्का ही करती हूँ, ज़्यादा हैवी नहीं करती हूँ। देखिए मेरे में थोड़े से रोस्टेड पीनट है, 1 फ़ैन है और 1/2 कप टी है। तो बस इसको अब मैं इंजॉय करूँगी अपने आराम से टीवी पे बैठ के। तो चलिए फटाफट रूम में चलते हैं और वहाँ पर मैं चाय पीऊँगी। तो पहले मैं टीवी ऑन कर लेती हूँ और बस टीवी देखते देखते मैं अपनी चाय इंजॉय करूँगी। उसके बाद थोड़ा सा लेटूँगी, तब तक मेरी सब्ज़ी वगैरह भी बन जाएगी। तो आइए आप लोग भी इन्जॉय कीजिए आकर, अगर आप मेरे साथ चाय पीना चाहते हैं तो आ जाइए। और देखिए चाय पीते पीते ही मेरी सब्ज़ी भी बाद में बन गई 10 मिनट के बाद। तो हाँ यार, नए आलू बहुत जल्दी सब्ज़ी बन जाती है। तो बस फटाफट से मैं गैस की फ्लेम को ऑन करूँगी और इस सब्ज़ी में अपने में तड़का लगाऊँगी लहसुन वगैरह का। इस भूंजी में मैं लहसुन डाल के तड़का लगाती हूँ। और ये भाई गंदी मत समझना कि मेरी ये कढ़ाई गंदी कढ़ाई में बना रही हूँ, एक्चुअली मैंने इसमें से मेथी निकाली तो मैं उसी में ही तड़का लगा देती हूँ। क्या यार, धोना मेथी की तो है ही, तो फिर मैं उसी में ही तड़का लगा देती हूँ। बस थोड़ा सा तेल गर्म होने दूँगी, उसमें मैं जीरा और हींग डालूँगी और बस उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें मतलब लहसुन डालूँगी, क्योंकि मतलब सर्दियों की जो सब्ज़ी होती है उनमें लहसुन का तड़का अच्छा लगता है, गर्म होता है तो अच्छा हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो बस लहसुन डालूँगी और गैस की फ्लेम को मैं स्लो रखती हूँ, क्योंकि स्लो गैस पर मैं उसको भूनूँगी, अदरवाइज़ ये भाप से ब्राउन हो जाएगा नहीं तो जल जाएगा, मतलब बहुत जल्दी जल भुन जाता है। कुछ लोग होते हैं ना जल्दी जल भुन जाते हैं, उसी कैटेगरी में लहसुन आता है, बहुत जल्दी से जल भुन जाता है यार। बस मैं इसको जलने भुनने नहीं दूँगी और बस लाल मिर्च डालूँगी और बच गई यार। एक्चुअली क्या हुआ ना कि लाल मिर्च जल अपनी ना जल्दी, तो मैं थोड़ा सा जल्दी नहीं कर रही थी, सब ठीक ठाक से थोड़ा केयरफुली से की थी। इतनी जल्दी जल्दी किचन हर जल्दी ठीक नहीं होती है, क्योंकि किचन का काम बड़ा रिस्की होता है। और देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल दिया, और इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी और थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए इसको और बनने दूँगी। और थोड़ा पर चला रही हूँ जिससे कि मतलब सब्ज़ी लग ना जाए। गैस की फ्लेम तो ऑलरेडी स्लो ही है, फिर भी लग जाती है यार, सूखी सब्ज़ी बहुत जल्दी लग जाती है। तो मैं अपना तो सामान समेट देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे 4-5 मिनट और सब्ज़ी को पकाना है, तो उसको भी अच्छे से सारा सौटे हो जाए, मसाले सले की स्मेल सब में वाला हो जाए। इसलिए मैं फटाफट से सब्ज़ी भी चलाती रहूँगी बीच बीच में और अपना सारा सामान भी निपटा दूंगी, जो भी इधर उधर फैला पड़ा है क्लीन कर दूंगी। और अभी आप देख सकते हैं बस ये मेरी मेथी बन गई है, और अब मैं इसकी गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। और बस इसको मैं ना अभी निकाल के नहीं रखूंगी सर्विंग बाउल में, बिकॉज अभी बच्चे भी आए नहीं है, टाइम है, क्योंकि अभी इस टाइम 11:30 ही हो रहे हैं, 2 बजे तक आएंगे बच्चे, तो दोबारा सब्ज़ी वगैरह गर्म करनी पड़ेगी, तो मैं ऐसे ही ढक के रख देती हूँ। तो बस मेरा किचन का काम ख़त्म हो गया है और मैं किचन की लाइट ऑफ कर देती हूँ। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।